तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जिसम एक्सपर्ट्स और आज मैं आपके जो फोन लाया हूँ अनबॉक्सिंग करने के लिए वो है रियलमी का C51। अब रियलमी का C51 जो आया ये अंडर 30,000 की प्राइस रेंज में आया है, जो कि भाई पाकिस्तानी मार्केट में काफ़ी पॉपुलर होने वाला है, क्योंकि अंडर 30,000 की प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब इसमें जो है काफ़ी तरह के कलर्स आते हैं, इसमें एक मिंट ग्रीन आता है जो कि मुझे रिसीव हुआ है और दूसरा आपका आता है कार्बन ब्लैक। तो भाई अनबॉक्सिंग पे चलते हैं यार, क्यों टाइम ज़ाया किए, चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। सो हमारे पास जो है C51 आ गया है, ये मौजूद है हमारे पास और इनकी अनबॉक्सिंग अभी करते हैं। तो सबसे पहले देखें सर, ये C51 है हमारे पास और ये आपका रियलमी का है एज यू कैन सी। अब हमारे पास जो इसका है वो 3 GB और 64 GB का वेरियंट मौजूद है, जबकि ये 4 GB और 64 GB के वेरियंट में भी आता है। अब इसके डिफाइनिंग फीचर्स पर अगर हम लोग नज़र डालें तो सबसे पहले इसका लिखा आ रहा है कि भाई देखो इसका है 33 W का चार्जिंग। तो ये भाई इस तरह के स्टैंडर्ड फ़ोन में और जो अंडर 30,000 आ रहे हैं तो भाई काफ़ी अच्छी बात है भाई, 33 W चार्जर काफ़ी अच्छा है कोई भी ऐसे फ़ोन के जो अंडर 30,000 आ रहे हैं। दूसरी जो डिफाइनिंग फीचर है वो इसकी 5000 mAh बैटरी, जो कि अभी जो सारे फ़ोन्स आ रहे हैं और इसमें जो मैक्सिमम जो बैटरी कैपेसिटी आती है वो 5000 mAh ही आती है और इसकी भी 5000 mAh ही है। एक और जो इसकी डिफाइनिंग फीचर है वो है भाई इसका 6.74 inch का डिस्प्ले और वो भी 90Hz का। भाई मतलब मैं क्या ही बोलूँ भाई, रियलमी ने भाई कुछ ज़्यादा धमाल कर दिया है, अंडर 30,000 की मार्केट में इसने इस तरह का डिस्प्ले दे दिया है, भाई देखना पड़ेगा। अब एक और चीज़ भाई, इसका 50MP का AI कैमरा और वो भी रियलमी का, रियलमी ने बोले कि भाई वो 50MP का AI कैमरा दे, तो भाई 50MP भाई काफ़ी अच्छा कैमरा होता है, लेट्स सी कि भाई इसके क्या शॉट्स कैसे आते हैं। एक और इसके डिफाइनिंग फीचर दिया है गया है कि वही 7.99mm जो है इसके अल्ट्रा स्लिम है ये। चलो एवरीथिंग पे नज़र डालते हैं इसकी। और एक और चीज़ जो है ये है कि इसकी कलर जो है मुझे मिंट ग्रीन मिला है। चलो अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो मेरे पास है सीज़र, अब देखो सीज़र से अगर मैं काटूँ सबसे पहले तो भाई इसका तो काटना ही मुझे बहुत मुश्किल लगता है यार। सही है, अब सो अब इसका बॉक्स खोलते हैं। तो सही है, अब इसमें डियर टुलिप लिखा आ रहा है। सबसे पहले फ़ोन को हम लोग खोल लेते हैं ताकि फिर हम लोग बाद में इसकी और चीज़ें ट्राई कर सकें। तो ये रहा फ़ोन भाई, मुझे यार इसका फर्स्ट लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सूथिंग फिनिश है। चलो इसको ऑन करते हैं। सही है, अंटिल देन हम लोग बॉक्स की और चीज़ों पे नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, डेयर टू लीव का जो बॉक्स हमें दिया था इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं रियलमी की जानिब से, एंड अदर देन दैट डिवाइस वेरिफिकेशन एंड मोर ओवर द क्विक गाइड भी है हमारे पास। और एक और चीज़ है भाई इसका केस, तो सिलिकॉन केस भाई काफ़ी अच्छा है और ये मुझे बिल्कुल थोड़ी याद दिला रहा है बिल्कुल iPhone 13 की, तो उसकी तरह इन लोगों ने थोड़ा सा वो दिया है। अब बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अच्छा। एक और चीज़ अब और देखें ज़रा इसके बॉक्स के अंदर और क्या है। तो बॉक्स के अंदर जो है मुझे मिल रही है डेटा केबल, और वो डेटा केबल जो है मुझे है मिल रही है वो Type-C to Type-A कनेक्टर, ठीक है। अब एक और चीज़ जो है इसकी है, सबसे जो डिफाइनिंग फीचर एक और वो है भाई इसकी ब्रिक, चार्जिंग ब्रिक, और चार्जिंग ब्रिक जो है इसकी वो है सुपर वोक की, ठीक है, ये है एज यू कैन सी, और ये है 33 W। तो भाई चार्जिंग स्पीड तो भाई काफ़ी तेज़ रहने वाली है। एक और चीज़ जो इसके अंदर है कुछ नहीं भाई, और कुछ नहीं है, ख़त्म। चलो यही चीज़ें थी, इसको साइड पे करते हैं और अभी फ़ोन की जानिब आते हैं। तो फ़ोन ये रहा हमारे पास, इसको जल्दी से हम लोग वो कर लेते हैं, सेटअप कर लेते हैं। ओके तो ये हमारा फ़ोन रेडी है। अब इसमें अगर हम लोग देखें इसकी सेटिंग्स पे जाएं और हम लोग इसका देखें तो भाई इसके पास एक और चीज़ इसमें ये आ रही है कि इसके एंड्रॉयड वर्जन 13 है और ये आप अभी जो है सबसे लेटेस्ट वर्जन आ रहा है, तो इसमें काफ़ी टाइप के न्यू फीचर्स आपके एडअप हुए हुए हैं। और एज यू कैन सी इट्स हैज़ अ प्रोसेसर ऑफ ऑक्टा कोर और रैम जो है 3 GB और डिवाइस स्टोरेज 64 GB है एज आई मैंशन बिफोर।
तो सबसे पहले इसके हम लोग डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। जो डिस्प्ले इसका है भाई 6.74 इंचेस का, और काफ़ी ये ह्यूज डिस्प्ले है और ये काफ़ी अच्छा पैनल है। लेकिन LCD का पैनल भी आप 30,000 के नीचे एक्सपेक्ट भी क्या ही कर सकते हैं, इतने आपको फीचर्स मिल रहे हैं भाई। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि भाई इसमें इसकी 274 तक की आपकी वो मैक्स जो है ना इसके अंदर निट्स पे आपकी ब्राइटनेस है। और इसकी अगर बॉडी की बात की जाए तो भाई बॉडी यार काफ़ी प्यारी है यार, काफ़ी, क्योंकि ऊपर आपको जो है ना 1/3 आपका ग्लॉसी फिनिश है और नीचे जो आपका 2/3 है वो आपका जो है ना ग्लिटरी टाइप का फिनिश आ रहा है। थोड़ा सा काफ़ी यूनिक सा इन लोगों का टेक्सचर दिया है जो कि काफ़ी क्लासिक और अच्छा लगता है फ़ोन, और ज़्यादा वाइब्रेंट भी नहीं है, कलर थोड़े क्लासिक टाइप के हैं। एक और चीज़ भी इसके भाई साथ में जो है इसके पावर बटन है, और पावर बटन की अगर ये खसूसियत है कि भाई पावर बटन में इसकी फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, तो आपका पावर बटन जो है आपका फिंगर स्कैनर की तरह भी काम करता है। नाउ इसकी अगर हम सिम स्लॉट्स की बात की जाए तो सिम स्लॉट है इसकी एक, और इसके अंदर जो है आपकी एक्सटेंडेड मेमोरी स्लॉट भी है, मतलब मेमोरी कार्ड भी लग सकता है। नीचे अगर बात की जाए तो नीचे आपका ये चीज़ है कि भाई आपका एक है इसके अंदर 3.5 mm का आपकी जो है हेडफोन का जैक है। अदर देन दैट आपका जो है माइक का है, और फिर एक और चीज़ USB टाइप सी है। और भाई इसकी बहुत जो डिफाइनिंग फीचर एक चीज़ आई हुई है वो है भाई इसकी USB टाइप सी की वजह से 33 W का चार्जर, जो कि आपका फ़ोन काफ़ी बहुत ज़्यादा तेज़ भाई चार्ज करता है, क्योंकि मैंने इसको खुद ट्राई किया था। मैं आपको शॉर्ट्स में दिखा दूंगा कि भाई इसकी बैटरी टाइमिंग कितनी अच्छी है और ये कितना ज़्यादा फास्ट चार्ज करता है। अदर देन दैट इसके साथ स्पीकर ग्रिल है जो कि आपकी बॉटम पे माउंट हुई भी, और कोई आपकी फ्रंट स्पीकर ग्रिल कोई नहीं है। नाउ अदर देन दैट इसके हम लोग भाई बात करें कि अगर हम लोग इसके कैमरे के बारे में बात करें तो कैमरे में ये है कि भाई इसके 50 MP का AI कैमरा है। अब 50 MP और रियलमी का भाई काफ़ी अच्छी चीज़ है, हम ट्रायल लाइफ भी करेंगे 50 MP की किस तरह के अच्छे शॉट्स आ रहे हैं। मैंने आपको थोड़े शॉट्स भी दिखाए होंगे कि भाई 50 MP पे इसके किस तरह के शॉट्स आ रहे हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो ये देख लें। अच्छा, इसके साथ इसके डुअल दूसरा जो कैमरा है वो भी है, लेकिन वो आपका ज़्यादा अच्छा नहीं है, और 50 MP मेन कैमरा ज़्यादा आपका बेस्ट आपका काम करता है। तीसरा जो कैमरे की शक्ल का तो है, लेकिन वो वही कैमरा नहीं है, मैं भी धोखा खा गया था, वो है आपकी फ्लैश लाइट, तो इससे धोखा नहीं आना। अच्छा, फ्रंट पे चलते हैं, तो फ्रंट पे आपका आता है 5 MP का कैमरा, और सेल्फी कैमरा भाई ऑलमोस्ट गुड, इतनी अच्छी नहीं लेकिन काम करेगा भाई। इसके बाद आपकी रैम और ये स्टोरेज वगैरह देखते हैं, तो भाई 64 GB आपकी इसकी स्टोरेज है, और इसके साथ आपकी 3 GB का मुझे मिला है वेरिएंट, लेकिन इसका 4 GB का भी वेरिएंट आता है। नाउ अदर देन दैट अगर हम लोग इसकी प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर इसका आता है आपका यूनिसोनिक का, आपका है T612, और ये 12 nm की चिप है, और इसकी परफॉर्मेंस भाई काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन भाई देखना पड़ेगा आपको। और मेरी एक नई वीडियो आएगी शॉर्ट में इसकी, उसमें मैं आपकी इसकी सारी परफॉर्मेंस बस दिखाऊंगा, तो उसमें आप अच्छे से देख लेंगे। अच्छा, इसके बाद इसमें एक और जो ब्रीफ चीज़ मैं अगर करूं तो भाई इसकी एक और चीज़ आती है आपकी मिनी कैप्सूल, और मिनी कैप्सूल की कई कैसे है कि भाई आपने डायनेमिक आइलैंड देखा होगा आईफोन 14 Pro Max और 15 Pro Max और 15 वगैरह में जो आया है, तो वो ये है कि भाई इसके अंदर आपके जो है ना नॉच जो होती है, नॉच आपकी एक्सपैंड होती है, थोड़ा सॉफ्टवेयर टाइप की इसके अंदर फील आती है। इसके अंदर भी भाई ये चीज़ ऐड करी गई है, अब ऐड तो करी गई है, और ये बस आपकी कब काम आती है भाई, नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, या फिर आप बैटरी अगर चार्ज करते हैं, मतलब चार्जर कनेक्ट करते हैं, तो आपकी मिनी कैप्सूल पे तो अफेक्ट्स आते हैं। अदर देन डैट इसकी एक और भाई प्राइम फीचर इसका है 5000 mAh की बैटरी, जो कि भाई काफ़ी ह्यूज है यार, काफ़ी ह्यूज है, और LCD पैनल पे तो मतलब भाई कम से कम 1.5 से 2 दिन तो आपको आराम से देगी, ये काफ़ी अच्छी है भाई। और इसके साथ भाई कुछ रह गया, आई डोंट थिंक सो। चलो फिर इसके साथ एक, हाँ एक चीज़ मैं भूल गया था यार, जो इसकी प्राइस है यार, प्राइस इसकी भाई 28,000 में मुझे ये मिला है रिसीव हुआ है, 3 GB और 64 GB वाले वेरियंट, और जो दूसरा वेरिएंट है वो 29,000 से 30,000 में मिलेगा 4 GB वाला। अब भाई प्राइस के रेंज के लिहाज से यार मुझे फ़ोन बहुत अच्छा लगा, पाकिस्तान की मार्केट में ऐसा फ़ोन पहले इस तरह नहीं आया, कि जिस तरह से एक्सपेंसिव हो गई है पूरी मार्केट में और चीज़ें और मोबाइल फ़ोन महंगे हो गए, तो भाई उसके लिहाज से यार ये फ़ोन बहुत अच्छे इन लोगों ने लॉन्च किया। रियलमी ने काफ़ी टाइम तक ये इनविजिबल रही भाई, मार्केट से गायब रही, लेकिन अब जब आई है तो भाई ये धमाल करने के लिए आई है। अब देखते हैं आगे जाके किस तरह के फ़ोन निकालती है। तो भाई अगर आपको नए तरह के फ़ोन चाहिए और इस तरह की और वीडियोस आपको देखनी है, वही मेरे चैनल को लाजमी लाइक किए करें, और सब्सक्राइब भी लाजमी करें, और भाई बेल आइकन लाजमी दबाइएगा। सो अंटिल देन, पीस।